हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोग को काम आएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम मान के चलते हैं कि कोई नंबर लेते हैं होल नंबर, तो जैसे कि 2 ले लेते हैं, इसको जोड़ते हैं 4 से, तो 2 प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6। तो इस प्रॉपर्टी में यह है कि किसी भी दो होल नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा होल नंबर होगा। वैसे ही ये तो प्लस के लिए था, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। 3 × 2 कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, होल नंबर है। 3 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, तो भी 6 आएगा। ये भी हमारा क्या है, होल नंबर है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। ये भी हमारा होल नंबर है। बट क्या इसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, 6 − 8 कर लेते हैं मान के चलते हैं, तो क्या 6 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। घटेगा बट ये नेगेटिव नंबर आएगा जो कि हमारा क्या होगा, होल नंबर नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा −2। ये कैसे आएगा, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब इंटीजर्स करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होता है, होल नंबर नहीं होता है। अब हम चलते हैं डिवाइड की ओर। जैसे कि हम लोग को 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो जब ये डिवाइड करेंगे हम तो 2 × 2 जा क्या आ जाएगा, 4, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 1। और इस 1 को भी डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 × 2 5 जा क्या आ जाएगा, 10। तो ये डिवाइड तो हो जाएगा बट ये देखिए हमारा होल नंबर नहीं आएगा। ये कैसा नंबर है, यहाँ पे देखिए बीच में पॉइंट आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर मान के चलते हैं 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 4 = 8, हमारा ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो जिस केस में हम लोग को कोई भी नंबर में डिवाइड करने पर होल नंबर आता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। जैसे कि किसी भी दो नंबर होल नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो तीसरा हमेशा होल नंबर ही आएगा, वो कोई भी नंबर हो सकता है। इसको 0 के साथ भी ले सकते हैं, 0 + 2 भी क्या होता है, 2। ये भी क्या है, हमारा होल नंबर है। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ये वैलिड है। अगर 3 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 भी हमारा क्या है, होल नंबर है। बट ये माइनस में और डिवाइड में फॉलो नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी लेते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पे वैलिड होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी दो नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो तीसरा जो नंबर आएगा वो होल नंबर होगा, या फिर किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा जो नंबर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, होल नंबर। ये हमारा था क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं दूसरा। तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ ए और बी और ए और बी सी डी की जगह पे कोई भी होल नंबर आ सकता है। दूसरा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए यह क्या बोल रहा है। अगर कोई दो नंबर को हम जोड़ेंगे, जैसे मान के चलते हैं 2 + 4, और इसको उल्टा करके जोड़ेंगे 4 + 2, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। जैसे 2 + 4 क्या आ गया, 6, 4 + 2 भी क्या आ गया, 6। अब सेम चीज मल्टीप्लीकेशन के लिए लेते हैं, 2 × 3 कीजिए या फिर 3 × 2 कीजिए, ये भी हमारा 6 आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा, 6। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए ही वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये भी वैलिड नहीं हो पाता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। या फिर a इंटू सी करें या c इंटू ए करें, या a b c d आप कुछ भी ले सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा। वैसे ही देखिए तीसरा प्रॉपर्टी करते हैं हम लोग। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें तीन होल नंबर का यूज करना है। देखिए a प्लस बी प्लस सी ऐसे ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी ऐसे ले लेते हैं, या तो इस दोनों को पहले कीजिए या इस दोनों को पहले कीजिए। एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे करना है। जैसे आपको दिया हुआ है 2 + 3 + 4 और यहाँ 2 + 3 + 4,
इसको इसको पहले सॉल्व करना है और इसमें इसको इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, बोडमास रूल है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, देखिए 2 प्लस 3 और 4 क्या आता है 7, यहां 3 और 2 क्या आता है 5 प्लस 4, 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, ये 5 और 4 भी क्या हो जाएगा 9। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चंस को इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। सिंपली ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही वैलिड है। इसमें क्या है, सिंपली जो दो नंबर होता है, जो इजी दो नंबर होता है, उसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं और उसके बाद तीसरे नंबर से उसको जोड़ते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे तो हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का भी होता है, ए इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है, ए इंटू बी इंटू सी दिया हुआ, ये दोनों को एक में, ये दोनों को एक में, तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी होता है वो कैसा होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको एक में करना है, इसको एक में करना है, एंड ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, इसको एक में, इसको एक में। रिजल्ट हमारा क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, होल नंबर ही आएगा और रिजल्ट भी क्या होगा हमारा सेम होगा, ठीक है। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है डी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे बड़े बड़े कैलकुलेशन जो है वो हम लोग को इजी में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एक सब्ट्रैक्शन वाला भी होता है जो कि इंटीजर्स में आता है, वो हम लोग इंटीजर्स में करेंगे। देखिए इसमें क्या है, अगर मान के चलते हैं थ्री ट्वेंटी फाइव इंटू वन हंड्रेड वन करेंगे हम, थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, ठीक है, या फिर इसको और थोड़ा इजी कर लीजिए थ्री हंड्रेड ट्वेंटी, ठीक है। 320 इंटू 101 करने बोलेंगे तो ऐसे कीजिएगा आप लोग, 320 इंटू 101, अब इसको ऐसे ऐसे करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे, देखिए सिंपली जो बिगर नंबर है उसको लिख देंगे और इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये मल्टीप्लाई करना है ये दोनों नंबर से, क्योंकि बीच में प्लस है, देखिए यही है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांट देना। कैसे बांटना है, मल्टीप्लीकेशन तो हो और साथ में क्या हो, एडिशन भी हमारा हो। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, हम सिखाए हैं कि वन से मल्टीप्लाई होता है 32, तो 32 ही हो जाएगा और जितना जीरो है उतना लगा देते हैं प्लस, और 32 इंटू 320 क्या होता है 320 ही होता है। अब इसको प्लस करना है 0 2 3 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, विदाउट मल्टीप्लीकेशन ही क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो सिंपली देखिए a इंटू बी प्लस सी, ये है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, a इंटू बी फिर प्लस लगाएंगे a इंटू सी, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कैसे हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। सुटेबल अरेंजमेंट क्या होता है, चलिए देखेंगे ध्यान से। आपको इस तीनों में से दो ऐसे नंबर खोजने हैं जिसके लास्ट डिजिट को जोड़ने पे क्या आ जाता है, 10 आता हो। तो देखिए 8 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे तो कभी 10 आएगा, नहीं आएगा। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। तो ये दोनों नंबर को क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 208 के साथ जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए 837 प्लस 363 कीजिए, फिर उसके बाद 208 करना है, इसको जोड़ेंगे 7 और 3, देखिए ऐसे कर लीजिए 837 प्लस 363, 7 और 3 10, 10 1200 आ गया, प्लस 208
अब इसको तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं आप, तो ये हमारा हो जाएगा पहला के लिए आंसर। आपको सिर्फ ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसके यूनिट डिजिट को जोड़ने पर लास्ट में क्या है, 10 आए, 0 आए, लास्ट में क्या है, 0 है, तब जाके आपका जो कैलकुलेशन होगा वो इजी होगा। वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये ए था ये बी। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 और 3 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 5। 2 और 8 को क्या जोड़ने से आ रहा है, 10। तो ये दोनों एक साथ करेंगे, और बाकी देखिए 3 और 7 को क्या जोड़ने से आ रहा है, 10। ये और ये करेंगे एक साथ। देखिए 1538 प्लस 1962, इसको एक साथ जोड़ेंगे हम लोग, 10, 15, ये आ गया 3500। इसको जोड़िए 647453, यह आ गया 1100। इसको और इसको जोड़िए तो 1100 आ जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा, 4600। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। देखिए प्रोडक्ट करने का भी तरीका वैसे ही है जैसे एडिशन का, हम लोग को लास्ट में 0 ढूंढना है ताकि हम लोग का जो क्या हो, मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाए। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मेन पर्पस है कि आप विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बना सको अरेंज करके। तो हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 50 को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 20 जा क्या हो जाता है, 0, और पता है 50 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 100। तो इसको ऐसे बनाएंगे 50 × 2, इसको एक में करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1768। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 50 × 2 क्या हो जाएगा, 100 × 1768। अब देखिए ये तो 0 0 है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1768 को, तो वही आ जाता है, और ये 2 0 है, हम लोग 2 0 लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सेम ऐसे देखिए दूसरा भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 × 6 जा क्या होता है, 24, यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, पर देखिए 4 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 20, लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये दोनों को हम लोग को एक साथ करना है, तो 25 × 4, इसको एक साथ कीजिए मल्टीप्लाई बाय 166, सेम हो जाएगा 25 × 4 जा क्या होता है, 100। नहीं आता है तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे 25 × 4, देखिए 4 5 जा क्या होता है, 20, 4 × 2 = 9 10 क्या आ गया, 100। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप ये छोटा सा मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, और जब ये 100 आ गया तो फिर मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। 166 को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इस नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे, लगा देंगे, तो 166 को 1 से करेंगे तो 166 ही आएगा, ये 2 0 है, 2 0 हम लोग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 के लिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखिए सी है। देखिए 8 × 1 = 8, और 8 × 5 क्या आता है, 40, तो इसमें ये दोनों को साथ में करेंगे, 125 × 8, एक में करेंगे × 291। ठीक है, अब देखिए 125 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1000 करके हम लोग देख लेते हैं, 125 × 8, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, और 4 = 20, 8 × 1 = 8 और 2 = 9 10, आगे 1000 × 291, ये भी सेम है, देखिए 3 0 है, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 291 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 291 ही आएगा, और 3 0 लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर सी के लिए। वैसे देखिए डी, देखिए 5 9 जा क्या होता है, 45, बट 5 6 जा क्या होता है, 30, तो इसमें ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 25 × 16 × 279,
इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी जीरो के प्लेस में आएगा, आई थिंक 625 into 16 को भी आप तोड़ सकते हैं 10 और 6 के प्रॉपर्टी से, दिया जाएगा 30 15 37। वन का टेबल में क्या आता है 5 2 6, यह आ गया हमारा 10,000 into 279। यहाँ पे भी देखिए 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 279, और कितना जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर डी के लिए। वैसे ही ई करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 5 into 5 25, लेकिन 5 into 6 क्या है, 5 जीरो जो जीरो आ जाएगा, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा। 5 6 जो आप सीधा जानते हैं क्या होता है, 30 होता है, तो 285 into, इसको एक में करेंगे तो 5 6 जा क्या आ जाएगा 30, और ये जीरो है लगा देंगे, देखिए 2 जीरो आ गया। आपको इस नंबर को सिर्फ 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 285 into 3, 300 को और भी तोड़ के बना सकते हैं हम लोग, पर उतना लंबा जाने का जरूरत नहीं है। 15 क्या जाएगा हमारा 855, और 2 जीरो लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा ये आंसर ई के लिए, ठीक है। एफ नंबर देखते हैं हम लोग, एफ नंबर में 4 डिजिट दिया हुआ है, देखिए कैसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे आप देखिए थे 125 को किससे किए थे, 8 से मल्टीप्लाई किए थे तो 1000 आया था, यहाँ पे भी सिंपली 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और बाकी जो बच गया 2 नंबर को एक साथ करेंगे, 125 into 8 into 40 into 50, तो 125 को 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, ये क्या आ जाएगा 5 4 20, और 2 जीरो लगा देंगे, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 into 1 करना था 2, और 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर लगा देना था, ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन एफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये कुछ दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू फाइंड करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 297 into 17 प्लस 297 into 3, देखिए 297 यहाँ 2 बार आ रहा है, बीच में प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो एक प्रॉपर्टी हम बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या था a इंटू बी प्लस सी, और ये कैसे खुला हुआ था a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो देखिए ये साइड जो है उससे क्वेश्चन को मैच कराइए। देखिए ये आपको a पोजिशन पर दिख रहा होगा इंटू, ये b हो गया प्लस a, क्योंकि ये वैल्यू दोनों क्या है सेम है, तो ए ही होगा, और ये हो गया सी, तो देखिए इस प्रॉपर्टी पे उधर साइड वाला और ये क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो हम लोग को इस फॉर्मूला पे लेके आना, ठीक है, कैसे लाएंगे तो इसको हम लोग देखिए सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, 297 इंटू, देखिए क्या है बी प्लस सी, बी क्या है 17 प्लस 3, इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, 297 into 17 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20, अब देखिए 0 आ गया, अब सिंपली हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में क्या लगा देना है 0, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और साइड में भी कर सकते हैं, गलती नहीं होगा, साइड में करिएगा तो गलती नहीं होगा, क्या जाएगा 594 और 10 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए के लिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी ए के लिए था, बी देखिए ये भी सेम क्वेश्चन, देखिए 24279 या भी 24279, ये इधर लिखा हो या इधर लिखा हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फॉर्मेट ये होना चाहिए कि बीच में प्लस हो, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी क्या हो मल्टीप्लाई हो, और एक नंबर दोनों में क्या हो सेम हो, तो हम लोग उस फॉर्मूले में बैठाएंगे।
एक जो सेम होता है वो क्या हो जाता है, ए बन जाता है। तो 5, 4, 2, 7, 9 आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद वो फॉर्मूला लिख करके आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इनटू क्या हो जाएगा, 92 प्लस 8। देखिए क्या होगा, 5, 4, 2, 7, 9 इंटू 92 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। 100 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपली 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो वो खुद हो जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर बी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सी की ओर, क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। देखिए ये भी इसी फॉर्मूले में बनेगा, बट यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ प्लस है वहाँ बस माइनस लगा देंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। इस केस में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, इसलिए होल नंबर का प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटीजर्स का प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए ये इस साइड के, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 81265, यहाँ पे देखिए 81265 दिया हुआ है। ठीक है, सेम है, सेम वैल्यू का क्या करना है, ए मान लेना है। ठीक है, बाकी जो हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा। 81265 मल्टीप्लाई बाई, देखिए क्या करना है, बी माइनस सी, बी कौन है 169, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, -69। 81265 इंटू 169 माइनस 69 कितना हो जाएगा, 100। इसको आप में माइनस कर लीजिएगा तो 100 आ जाएगा, 100 से इजिली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 81265 00 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था सी के लिए। डी क्वेश्चन इस फॉर्मूले में नहीं है, इस फॉर्मूले में हमको डी क्वेश्चन को लाना होगा तब सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे लाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, डी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 4 यूनिट है, 4 डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 भी है, यहाँ पे 782, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है, फिर 25 है, यहाँ 218, देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो क्या इसमें से 25 में से हम 5 को तोड़ सकते हैं, 5 के नंबर में तोड़ सकते हैं, तो 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि सब ये इंटू के फॉर्म में है, तो यहाँ भी इंटू के फॉर्म में आएगा, 5 5 25 हो जाएगा। 3845 × 5 × 782 + 769 × 5 × 5 × 218। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक फाइव मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर, यहाँ सब 3 3 है, तो ये छोटा वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कभी भी 3845 नहीं आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये नंबर आ रहा है कि नहीं। तो रफ में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 769 × 5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 5 9 = 45 पर देखिए 5 आ रहा है, ये आ रहा है यूनिट डिजिट। ठीक है, और 8 से करते 8 5 जो क्या हो जाता है, 40। यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, 0। तो ना ही इससे मैच करता, ना ही इससे मैच करता, इस वजह से हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 5 जो क्या आता है, 30, और 4 का 4 35 38। देखिए सेम नंबर आ गया, 3845। इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 3845 × 5 × 218 प्लस, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, यहां भी सेम, यहां भी सेम है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक डिजिट में ले आइए। ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके लिए भी आंसर वही हो जाएगा। तो 3845 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 5 4 = 20, 22 + 2, 5 8 = 40, 5 3 = 15, 19225 × 782 प्लस, ये भी वही हो जाएगा, 19225 × 218। अब देखिए ये इस फॉर्मूले में आ गया। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है इस साइड में। अब उसको अरेंज करेंगे हम लोग, ए मानेंगे इसको, दोनों में अवेलेबल है,
19225 इंटू बी प्लस सी करेंगे, बी ए हो जाएगा सी ए हो जाएगा, 782 प्लस 218, तो 19225 इसको प्लस करेंगे, कर लीजिए साइड में, वन से मल्टीप्लाई करना है, फिर जीरो लास्ट में हम लोग को लगा देना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर डी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसको भी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग को बनाना है। वीडियो के स्टार्ट में ही हम बताए थे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन को शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बताएंगे, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा, ए नंबर 738 इंटू 101, तो 101 को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, 738 इंटू 100 प्लस 1 लिख सकते हैं 101 को, ठीक है, 100 के फॉर्म में तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 100 टूटेगा, यहाँ 1000, यहाँ भी 1000, ठीक है। अब देखिए कैसे इस फॉर्म में टूट गया, इस फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 73800 प्लस ये हो जाएगा 738, सिंपली इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप साइड में रफ में भी क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये था वन के लिए आंसर। बी हम लोग देखते हैं, बी क्या है, 854 इंटू 102 को भी तोड़ेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए साइड में, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1708, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या करना है, प्लस करना है, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर क्या है, 258 इंटू 1008 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, ये मल्टीप्लाई करना होगा, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इतना क्वेश्चन बना लिए हैं कि अब आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा। अब 258 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, इसको 10 माइनस 2 करके भी कर सकते हैं पर वो लंबा जाएगा, ये आ जाएगा 2064, इसको ऐड करेंगे हम लोग, 46026, ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर सी के लिए। इसको आप लोग रफ में आप लोग प्लस भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है वो डायरेक्ट करेगा, उसके लिए टाइम बचेगा, और जिसका नहीं है वो रफ में करेगा, उसमें टाइम लग जाएगा आपको। 168 इंटू 1005, इसको तोड़, देखिए इसको भी तोड़ेंगे तो भी बनेगा, पर इसको तोड़ेंगे तो 100 प्लस 68 टूटेगा, या फिर 160 प्लस 8 टूटेगा, तो 16 से मल्टीप्लाई करना, ऐसा नंबर को तोड़ना है कि हमारा कैलकुलेशन कम से कम हो और इजी वे में हो जाए। 168 इंटू 1000 प्लस 5, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस 168 इंटू 5, ये हो जाएगा 168000 प्लस 168 इंटू 5 कीजिएगा आप लोग, 5 6 34 8, कितना आ गया, 840, स्क्वाड कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर डी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड इज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो मंडे को 40 लीटर पेट्रोल भरवाता है अपनी गाड़ी में, ठीक है, और ट्यूसडे को वो 50 लीटर पेट्रोल भरवाता है, और पेट्रोल का कीमत कैसा है, 44, अभी तो खैर 200 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, मंडे को कितना वो पेट्रोल भरवाता है, 40 लीटर, ठीक है। पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को वो कितना करता है, 50 लीटर। तो टोटल पेट्रोल निकालेंगे, टोटल पेट्रोल बोथ डे, टोटल पेट्रोल डायरेक्ट लिखिए क्या आ गया, 90 लीटर। टोटल पेट्रोल कितना आ गया हमारा, 90 लीटर वो दो दिन के अंदर भरवाता है। तो कॉस्ट क्या है, रेट, रेट क्या है, रेट ऑफ पेट्रोल, किस रेट से मिल रहा है पेट्रोल, तो ₹44 पर लीटर, ₹44 का एक लीटर, और यहाँ पे पूछा है 90 लीटर का कितना होगा, तो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, और ऐसे भी लिख सकते हैं मनी स्पेंड इन ऑल पेट्रोल के आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 90 × 44, देखिए यहाँ पे जीरो है, आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है 44 को, ठीक है, 44 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में जीरो पुट करेंगे, कितना आ गया, 3960 ₹3960 टोटल उसको दो दिन के अंदर देना पड़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह 6 भी है। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, इफ द कॉस्ट ऑफ मिल्क 15 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू द वेंडर पर डे, ठीक है। सुबह को 32 लीटर एक दूध पहुंचाता है एक होटल में, ठीक है, और शाम को 68 लीटर पहुंचाता है, मिल्क का कॉस्ट ₹15 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है एक दिन का कितना बनेगा उस वेंडर का, ठीक है। लिखेंगे हम लोग मिल्क सप्लाइड ऑन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग कितना, 32 लीटर, ठीक है। मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग, इवनिंग में कितना सप्लाई कर रहा है, तो वो है 68 लीटर। तो टोटल मिल्क निकाल लेंगे हम लोग, टोटल मिल्क कितना है एक दिन का उसका, तो इसको प्लस करेंगे 100 लीटर। टोटल मिल्क कितना वो एक दिन में पहुंचा रहा है होटल में, 100 लीटर, ठीक है। किस रेट से पहुंचा रहा है, रेट कितना है, रेट ऑफ मिल्क ₹15 पर लीटर, एक लीटर का वो कितना ले रहा है, 15 रुपया, तो 100 लीटर का कितना लेगा हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो या ऐसा लिख सकते हैं मनी पेड टू द वेंडर हंड्रेड इंटू 15, तो ये हमारा हो जाएगा 1500 आंसर, 1500 रुपया वो एक दिन में क्या कर रहा है, कमा रहा है, और होटल वाले 1500 उसको एक दिन में देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है, 1 2 3 दिया हुआ है, ए बी सी, तो कैसे मैच करेंगे देखिएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, और उसको देखिए यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मैच करेंगे, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताए थे, क्या होता है, सिंपली a इंटू बी कीजिए,
या b इंटू ए कीजिए, अलग अलग वही नंबर को दो बार लिखना रहता है, या फिर c कर दीजिए, यहाँ पे भी c कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीन नंबर चार नंबर का भी बनता है, ठीक है। तो दो नंबर से ही हम लोग पकड़ लेंगे क्या है, a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बताए थे, a इंटू बी प्लस सी है, तो हम लोग a इंटू बी प्लस a इंटू सी ऐसे करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई और प्लस हमारा इसमें दोनों आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी है और क्या है एडिशन भी है, तो ये हमारा हो जाएगा c नंबर, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा a नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस 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 उसी को रीअरेंज करके प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा बी नंबर। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को कवर अप करेंगे।